हाय, आई एम विवेक। और जैसा कि आज हमारा ये थर्ड पार्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का, तो आज हम क्या करने वाले हैं कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लें, दैट इज ऑन ऑसोमेटिक प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम ट्राई करते हैं कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपके लिए फॉर्मुला लिख दिया पहले से, दैट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इन टू एन टू अपॉन एन नॉट, वेयर पी नॉट इज अ वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट। एंड ये हमारा किसका हो जाएगा, जब हम किसी सॉल्यूट को डालेंगे तो कितना प्रेशर आ रहा है, एन टू एन वन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो एन वन जो हमारा मोल्स होगा वो वाटर का मोल्स होगा, दैट इज सॉल्वेंट का, और एन टू जो मोल्स होगा वो जो हम इसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं उसका मोल्स को लेंगे। तो चलिए कंसीडर करते हैं, तो क्वेश्चन को लेते हैं और उसी क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक गिवन डाटा है, एक हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके लिए क्या गिवन है, तो हमें कुछ गिवन डाटा दे रखा है, तो उसको सबसे पहले मैं लिखता हूँ। तो हमें गिवन ये है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 10 ग्राम। ठीक है, तो हमें दे रखा है 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो कितना दे रखा है सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज को मैं W2 मान लेता हूं, तो सॉल्यूट दे रखा है हमें 10 ग्राम। देन और इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, इट मींस जो वाटर दे रखा है सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज ये हमें दे रखा है m1। तो m1 कितना दे रखा है हम लोग को, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। तो एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको m1 ले लिया, इसको मैं लूंगा w1। तो दैट इज w1, ये दे रखा है हमें, कितना दे रखा है वाटर का, 200 ग्राम। फाइन, और क्या बोला है क्वेश्चन में, इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो एक वेपर प्रेशर दे रखा है यानी P, तो P की वैल्यू दे रखी है 31.84 mm, 84 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, एट 308 केल्विन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास क्या निकालना, सॉल्यूट का, यानी हमें निकालना है इसमें m2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। m1 तो गिवन है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। ठीक है, ओके, एंड नेक्स्ट बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज, यानी आपको पी नॉट की वैल्यू भी गिवन है, वो कितना गिवन है, वो गिवन है 32 mm of Hg। ठीक है, अब देखते हैं कोई और डाटा इसमें गिवन हो तो। ठीक है, बस यही हमारे पास डाटा, इतना ही गिवन है हम लोगों को। तो वी नो द फॉर्मूला, हमें निकालना है m2, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा स्टैंडराइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो पी नॉट और पी की वैल्यू गिवन है, पी नॉट कितना गिवन है 32, P कितना गिवन है 31.84 अपॉन 32, और N2 क्या है, मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू N1 को लिखेंगे हम W1 इंटू M1। ठीक है, हमें निकालना है M2, तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, M2 हमें निकालना है, M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है पता है 18 होता है मोलर मास वाटर का, और W1 कितना दे रखा है, तो W1 दे रखा है 200 ग्राम, और ये हमें दे रखा है 32 माइनस 31.84 अपॉन 32। तो वी कैन इजीली फाइंड M2 बाय सॉल्विंग दिस। ठीक है, तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं, तो सीधा हमारा M2 की वैल्यू कितनी निकल के, मैं सीधा लिख देता हूँ, तो M2 मेरा निकल के आ रहा है 180 ग्राम पर। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया M2, दैट इज अ मोलिकुलर मास। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, बड़ा सिंपल से फॉर्मूले को अप्लाई करके इसमें और क्या आ सकता है, अलग से न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, आपको क्या लगता है इसमें हो सकता है, मे बी आपको एक प्रेशर गिवन होता और पूछता प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर बताओ कितना होगा, या फाइनल स्टेट का प्रेशर बताओ कितना होगा, वहां पे आपको मोल्स गिवन होंगे। तो यही चेंजेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, बाकी जो कंसेप्ट है वो यही रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा, इसी को अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब क्या करते हैं, एक ऑटोमेटिक प्रेशर का क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, आप इसको एक बार देख लो और इसको अगर आपको उतारना है तो आप इसको उतार भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, दैट इज फोर्थ नंबर इज ऑसोमेटिक प्रेशर, ऑसोमेटिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑसोमेटिक प्रेशर की नेगेटिव प्रॉपर्टीज है और इसका क्वेश्चन पता है हमें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, सी आर टी,
ओके अब इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज आर टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। और मोल्स को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉलिड अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एन को भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू मास ऑफ दैट इज डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू पाई वी। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है इसका, तो इसके फॉर्मूले को हम इजीली डेराइव कर सकते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन में आस्क होगा उस तरीके से हम क्वेश्चंस को निकाल लेंगे। तो चलिए एक इसका भी क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करके देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो एक कंपाउंड है जिसमें हमें गिवन है, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख देते हैं, दैट इज गिवन डाटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ सके ताकि ये इस टॉपिक पे हमारा क्लियर हो जाए। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें W2 गिवन हुआ है कि W2 जो दे रखा है वो 8.95 ग्राम, इट मींस जो W2 की वैल्यू है 8.95 ग्राम, ठीक है, 8.95 ग्राम। अच्छा मिलीग्राम में दे रखा है तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, W2 गिवन है हम लोगों को। और क्या गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम में गिवन है 35 ml, दैट इज 35 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम लोग गिवन है 35 ml, तो ml को अगर आप चाहो तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हो लीटर में भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीटर में भी इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 35 / 1000, तो ये लीटर में हो गया, इट मीन 0.035 लीटर, ठीक है। और देखते हैं और डाटा क्या गिवन है, और हमें गिवन है ऑसोमेटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है, दैट इज पाई इज इक्वल टू 0.1, एक कंसेप्ट आपको समझाना है, 0.3352 ये यूनिट है प्रेशर की, तो आपको इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज एटमोस्फेरिक में। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप इसको एटमोस्फेरिक में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे 760 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एटीएम में कन्वर्ट हो के इसका कितना आंसर आ जाएगा, आपको सीधा ले सकते हैं, तो 1 ATM जो होता है ना, बिकॉज हमने ऐसे क्यों किया है, इसलिए किया है, मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ कि जो 1 ATM होता है वो 760 के बराबर होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 762, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को निकालना है, तो हमें पाई पता है, डब्ल्यू टी पता है, वी पता है, एंड टेम्परेचर भी हमें पता है 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना गिवन है 298 केल्विन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोला गया इसमें निकालने के लिए, सिंपली बोला है कि फाइंड द एन टू, फाइंड द एन टू, चलिए निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन, तो यहाँ से हमें फॉर्मूले को लगाते हैं, तो हमें क्या पता है, वी नो, वी नो क्या, कि पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू एम टू इंटू आर टी, हमें क्या निकालना है एन टू, तो m2 कितना आ जाएगा, m2 is equal to w2 upon pi v into rt, सारी वैल्यू पता है, कुछ भी नहीं करना, सारी की सारी वैल्यू हमें पता है। w2 कितना दे रखा है, that is 8.95 × 10⁻³, ऑटोमेटिक प्रेशर हमें गिवन है 0.335 upon 760 into वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 0.035, ठीक है। r हमें पता है, that is universal gas constant, एंड टेम्परेचर है 298 केल्विन, ठीक है। तो हमें जस्ट इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, ठीक है, दैट्स इट। हमने क्या किया, फॉर्मूला पता था, वैल्यूज को पुट किया और जस्ट इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 1.41 इंटू 10⁴, 10⁴ ग्राम पर मिनट। मैंने अपने किसी भी वीडियो के रिमार्कर में आपको ये सॉल्व करके नहीं दिया है, क्योंकि ये हमारे लिए मैटर नहीं रखता है सॉल्व करना, ये आप इजीली कर सकते हैं। हमें कंसेप्ट समझना है बस, कि किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा इसमें कि हम बड़े आसान तरीके से ऑसोमेटिक प्रेशर पर डिमांड कर सकते हैं और बड़ी आसान तरीके से रिलेटिव इंडोरिंग वेपर प्रेशर पर डिमांड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि चारों टॉपिक जो थे हमारे, चारों पे एक मैटर हमने कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे से समझा भी है। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट निकलता है आस्क में, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता था और चेंजेस थोड़ा आप सोच सकते हैं, इसमें हो सकता था कि आपको कभी वो वी पूछ ले, ऑसोमेटिक प्रेशर पूछ ले, डब्ल्यू पूछ ले, एम पूछ ले, इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछेगा, बिकॉज आर इज अ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, तो वो तो आपसे पूछेगा नहीं, और पूछ भी दे तो क्या प्रॉब्लम, निकाल दीजिएगा 8.314,
ठीक है, तो बड़े आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। अब हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे जो अपने नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसीडर करेंगे और उसके भी पहले सारे न्यूमेरिकल्स को हर टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। और इन चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, मैं बार बार इस चीज पे बड़ा तवज्जो दे रहा हूँ कि सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सो चलिए।